जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये भर्ती है दोस्तों बिहार विधानसभा परिषद को लेकर, जहां पर आपको यहां पे चार तरह की वैकेंसीज निकाली गई हैं। कुल 172 पदों की वैकेंसी बिहार विधान परिषद की तरफ से जारी की गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। अभी भी लिंक एक्टिवेट है इसका, आप जाके इसका ऑफिशियल आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी सारे वीडियो के फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो बनाई है, बताई है आप लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि इसका ऑफिशियल कैलेंडर जो जारी किया गया है, क्या ये संभावित तिथि है इस परीक्षा यहाँ पे इस डेट में होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो कि इस एग्जाम के साथ क्रैश भी कर रहा है। तो अब मैं आपको पहले कैलेंडर दिखलाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा कि ये परीक्षा होगी या एक्सटेंड हो सकती है परीक्षाओं की तिथि, या फिर ये परीक्षा इसी डेट में ली जाएगी। अभी इसके अलावा जो दोस्तों अभी प्रोसेस चल रहा है बिहार विधानसभा परिषद के अलावा, बीपीएससी में इंटरव्यू का भी पूरा कार्यकाल चल रहा है। वहां पे इंटरव्यूज हो रहे हैं और आने वाले समय पूरा अगस्त महीना पूरा बिजी है, और 5 अगस्त तक आपका जो है बीपीएससी का भी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए यहाँ पे सारा चीज जो है अपडेट करूंगा मैं, और एग्जाम इसके रिगार्डिंग जो कि बिहार विधानसभा परिषद की वैकेंसी निकाली गई है इसके रिगार्डिंग कब तक हो जाएंगी कंप्लीट, उन सब के बारे में डिटेल भी आपको बताया जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा दोस्तों। ये जो इसके होम पेज पे जाएंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको एक 25 तारीख का, सॉरी 28 तारीख का नोटिफिकेशन दिखेगा। ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द ऑडिटर एग्जामिनेशन, जी हाँ, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम जिसका मुख्य परीक्षा हो चुका है, छात्र यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है आवश्यक सूचना है कि 67/2020 के अंतर्गत जो अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर के पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया, यहाँ पे लिखित परीक्षा ली गई थी मुख्य परीक्षा, उसमें सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो कि 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका इंटरव्यू डेट बता दिया गया है परसों से, यानी कि नहीं, कल से जो है आपका जो है ये एग्जाम जो कि यहाँ पे लिया जाएगा आपका इंटरव्यू वाला सेशन, जिसके लिए आपको इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 25 जुलाई से उपलब्ध कराया गया है। अब जो है आप लोग जो है इसका कार्यक्रम जो है 25 जुलाई से अपडेटेड किया गया है, आपको बताया गया था। आपको बता दें कि और अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग इंटरव्यू आमंत्रण पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जी हाँ, आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, अपना जो है यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, इस कैप्चे को डालना है और लॉग इन करना है। जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए थे यहाँ पे उनका जो है डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे उनके पूरा का पूरा कार्यक्रम भी अपडेट किया गया है कि कब से कब तक आपका इंटरव्यू होगा और किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक आपका एग्जाम होगा। एक ही पेज है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अब यहाँ पे बता दें कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में भाग लेने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका इंटरव्यू दिनांक 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपका आरक्षण यानी कि जो कैटेगरी वाइज जो भी आप आरक्षण का लाभ उठाते हैं यहाँ पे उसका दावा करते हैं या वंचित प्रमाण पत्र है, तो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है, तथा जिनका इंटरव्यू 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक है, वो 6 अगस्त तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो आप लोग को आज आखिरी तिथि है 31 जुलाई, जिसका भी 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक इंटरव्यू है, वो अपना जो है जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ना, आपका शैक्षणिक हो गया या फिर आपके आरक्षण वाले हो गए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ अपलोड करना है। कहाँ पे आके, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन कर लीजिएगा अपने यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा, और कैप्चर जहाँ डाल के जो है लॉग इन कीजिएगा। जैसे ही आपसे आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड मांगेंगे, यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है उसका एक छाया प्रति जो है यानी कि फोटो कॉपी जरूर अपने पास रख लीजिएगा, 2 सेट है ना, इसकी मूल प्रति और 2 सेट छाया प्रति के साथ इंटरव्यू में आपको सम्मिलित होना है। इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा और आपको इंटरव्यू में यहाँ पे इसको लेकर भी जाना होगा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके अपना फाइल वगैरह लेके जाइएगा जिनका भी है। तो ये जो है आपका इंटरव्यू का जो है अपडेट दिया गया है दोस्तों, आपको बीपीएससी के कार्यालय में ही इसका इंटरव्यू होगा, जहां से आपको जो है अपना आमंत्रण पत्र यहाँ से डाउनलोड करना होगा, कोई डाक के द्वारा आपको ये सारी चीजें नहीं भेजी जा रही हैं। तो जिनका भी है भाई ध्यान से देख लीजिएगा, और यहाँ से आपको मैंने अपडेट कर दिया ऑडिटर के इस पोस्ट के लिए। चलिए, यहाँ पे तो बात खत्म हो गई बीपीएससी की, अब बात करेंगे दोस्तों बिहार विधानसभा की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी को लेकर। आपको बता दें कि ये वैकेंसी संख्या 1/2023 की थी, जो कि सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का ये वैकेंसी था,
जिसका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी को जानते हैं यहाँ पे इसका जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था? तो ये 30 जुलाई को आपका एग्जाम होना था दोस्तों, लेकिन ये 30 जुलाई को अब ना होकर अगले डेट में होगा। क्यों एक्सटेंड किया गया इसको? तो ये देखिए एक्सटेंड होने के कारण है, इसके पीछे है जी। अभी जो है बिहार विधान परिषद की अगर मैं बात करूं, है ना, जो कि सचिवालय है हमारा, तो वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड का जो वैकेंसी निकाला गया है, सुरक्षा पहराई का, तो हो सकता है कि इन सबके जो है आपके इंटरव्यू एक साथ बुला के ले लिए जाए। इसके लिए तो एग्जाम भी कंडक्ट होना था, तो एग्जाम भी हो सके तो एक साथ ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, और जो है आपको इंटरव्यू के लिए भले ही अलग अलग बुलाया जाएगा, ये बिहार विधानसभा सचिवालय में और वो आपको परिषद में जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे एक साथ होगा, इसी कारण हमको लगता है यहाँ पे अपरिहार्य कारण बस इसको स्थगित किया गया है। परीक्षा की तिथि जल्दी सूचना आपको दी जाएगी, और अगर जो भी सूचना ऑफिशियल आता है इसके वेबसाइट पे तो हम आप तक साझा भी कर देंगे। फिलहाल यही कारण हमें बताया गया है और जानकारी हमें जहां से मिल पाई है। तो अगले अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। अगला अपडेट है यहाँ पर बिहार विधान सभा परिषद का, क्योंकि कैलेंडर आउट कर दिया गया है यहाँ पे, और इस कैलेंडर के जरिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि क्या इस डेट में एग्जाम होंगे, क्योंकि 30 सितंबर को भी एग्जाम है। जैसा कि आप सभी को पता है 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम रखा गया है, जैसा कि 69वीं बीपीएससी का कैलेंडर कहता है। तो क्या इस डेट में एग्जाम हो पाएगा? तो ये संभावित तिथि है, ये बोला गया है कि औपबंधिक है ये परीक्षा का कार्यक्रम जो भी एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया, तो ये बीपीएससी के साथ क्रैश कर रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम डेट हैं जो कि यहाँ पे जिसका रिटन एग्जाम होना है वो डेट क्रैश कर रहा है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम के साथ, एसएससी के साथ भी क्रैश कर रहा है बहुत सारा एग्जाम, या बहुत सारा एग्जाम जो है आप लोग का सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एसएससी के वेरियस पोस्ट आए हुए, दिल्ली पुलिस वगैरह, एमटीएस वगैरह का, सबके साथ कहीं ना कहीं क्रैश कर रहा है। तो क्या ये जो है एग्जाम स्थगित होंगे? तो होने की संभावनाएं देखिए, सिर्फ ये जो एग्जाम है आपका 30 सितंबर वाला, ये थोड़ा सा हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है उस दिन, और या तो बीपीएससी ने अपना एग्जाम एक्सटेंड कर दिया तो ये एग्जाम इसी डेट में फाइनली ले लिया जाएगा दोस्तों। तो ये जानकारी है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिवेदक की वैकेंसी जो निकाली गई है जिसका प्रारंभिक परीक्षा का डेट 30 सितंबर रखा गया है, वहीं पे इसके लिए हिंदी आंसू लेखन परीक्षा जो कि हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन परीक्षा होगी, और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगी, वो 31 अक्टूबर को रखा गया, ठीक एक महीने बाद, है ना, एक महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आने के बाद ही आपका जो है चयन अगर इसमें होता है पीटी में, तो आप दूसरे फेज के लिए यहाँ पे आएंगे। फिर इसका जो तीसरा फेज है ये इसका इंटरव्यू का है, इंटरव्यू जो है आपका 27 नवंबर को है और 28 नवंबर को है। तो ये डेट, दो डेट में यहां से आपके जो है एग्जाम देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे जो परीक्षा का तिथि विज्ञापन संख्या 2/2023, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये जो वैकेंसीज है ये वैकेंसीज के सहायक का पोस्ट है, सहायक अवधायक का पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और निम्न वर्गीय लिपिक का। अब यहां भी बहुत सारे एग्जाम का जो डेट है, जैसे कि 30 सितंबर मैंने आपको बताया ये भी क्रैश कर रहा है सहायक अवधायक वाला एग्जाम डेट, तो ये भी एग्जाम कैंसिल होने की संभावनाएं हैं अगर बीपीएससी अपना एग्जाम इस मोड पे लेती है तो। नहीं तो 24 सितंबर को भी एक एग्जाम है दोस्तों जहां पे ये परीक्षा डेटा एंट्री ऑपरेटर का फंसेगा, तो क्या डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला तो एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है। तो ये जो डेट निर्धारित किया गया है ये बिहार विधानसभा परिषद की तरफ से एक औपबंधिक डेट है, जिसमें कि सहायक की वैकेंसी जो है आपका 1 अक्टूबर को होना है, और 1 अक्टूबर को भी एक एग्जाम है, शायद मुझे लगता है दिल्ली पुलिस वगैरह का ही अपडेट दिया जा रहा था कि शायद, मुझे लगता है ध्यान नहीं है, पर ये एग्जाम यहाँ पे क्रैश कर रहा है। हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन परीक्षा एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जांच आपका होगा ठीक एक महीने बाद लगभग, है ना, 7 नवंबर को, ये आपका तभी होगा जब आप इसमें पास हो जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, फिर उसके बाद इसका जो है एक मेन्स एग्जाम भी लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों, अगर आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखना है, तो मैं आपको पेपर जरूर इसका बना के दिखलाऊंगा, जिसमें कि मुख्य परीक्षा का एग्जाम है इसका 3/12, उससे पहले भी आपका पीटी और मेंस दोनों का पेपर आपको दिखाया जाएगा। सहायक अवधायक की परीक्षा है दोस्तों यहाँ पे 30 सितंबर को, जो कि चेंज हो सकती है, और एमएस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच की परीक्षा होगी इसका ठीक एक महीने बाद 31 अक्टूबर को, और अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आप इसका जो है एग्जाम दे पाएंगे। मेंस एग्जाम की बात करें यानी कि मुख्य परीक्षा होगी यहाँ पे, जो कि आपका 3 दिसंबर डेट रखा गया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को भी एक डेट एग्जाम से क्रैश कर रहा है, और ये शायद आईबीपीएस का एग्जाम है, है ना, बैंकिंग सेक्टर का, तो बहुत सारे छात्र भरते हैं, पर उससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, संभवतः ये डेट दिया गया है
जो भी डेट में बदलाव होगा हम आप तक साझा भी करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है दोस्तों, यहाँ पे 24 सितंबर का एग्जाम है, इसमें आप पास होते हैं तो ठीक एक महीने बाद 27 अक्टूबर को ये आपका जो एग्जाम दूसरा फेज का लिया जाएगा, जहां पे आपका टंकन जांच किया जाएगा जो कि आपके अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में होगा, कंप्यूटर पे होगा, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच भी की जाएगी इसमें, और उसके बाद यहाँ से आप सफल अभ्यर्थी हो पाएंगे। तो ये जानकारी है यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर। निम्न वर्गीय लिपिक की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिएगा जो एग्जाम डेट रखा गया है, ये एग्जाम डेट है आपका 24 सितंबर को, 24 सितंबर को ये आपका एग्जाम डेट है, और यहाँ पे जो आपका मेन परीक्षा होगा ये आपका 27 अक्टूबर को होगा। तो इसका इसमें अगर आप पास होते हैं तो ठीक एक महीने बाद इसका भी एग्जाम डेट रखा गया है। अब जो वैकेंसी है दोस्तों सुरक्षा प्रहरी का, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि बिहार विधानसभा में भी आपको वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए यहाँ भी इसका डेट का निर्धारण नहीं किया गया, इसके वेबसाइट पे कोई अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपका जो होगा वो पीईटी होगा, और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए आपको आवेदन करने का, आप वीडियो देखिएगा जाकर, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आपका जांच होगा दोस्तों, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये दो फेज में ही एग्जाम है, यहाँ से आप पास होते हैं पीईटी और पीएसटी क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में फिर तभी बुलाया जाएगा जब आप यहाँ से योग्य होते हैं। और सुरक्षा प्रहरी जो बिहार विधानसभा का है उनके लिए भी ये अपडेट है दोस्तों सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की अपडेट है यहाँ पे की जो दी गई है चालक की वैकेंसी को लेकर। वैध ड्राइविंग लाइसेंस जांच होगा आपका, पहले तो यहाँ पे पहला प्रोसेस यही है, ये ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पे आपका जो है 10 सितंबर से 11 सितंबर तक ये जांच होगा, उसके बाद आपका चालन कौशल देखा जाएगा जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, मतलब है ना ड्राइवर के लिए, जो 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये जांच चलेगा, क्योंकि तो बहुत सारे छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। और इंटरव्यू होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 30 अक्टूबर को, ये ध्यान में रखेंगे, इसके बाद आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ से बिहार विधानसभा परिषद के इस एग्जाम को लेकर। एक एग्जाम और है यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपका कार्यालय परिचारी और दरबान, फराश, सफाई कर्मी और माली को लेकर है। इसमें भी आपका वैकेंसी काफी अच्छा खासा है, इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। अब इंटरव्यू जिसका होना है इसका अभी डेट निर्धारित नहीं किया गया, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एग्जाम फरवरी 2024 में इंटरव्यू रखा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये उसी समय एग्जाम का इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इसके लिए एक कार्यक्रम है ये जो कि औपबंधिक है, तिथियों में संशोधन किया जा सकता है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी आपको मिलती रहेगी। 25 जुलाई से लेकर इसका फॉर्म भरा जा रहा है, जो भी आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं फॉर्म भरने में इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, शाम 10 से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, ये जानकारी यहाँ से आपको अपटूडेट की गई है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है जो भी आपको जानकारी यहाँ से अपटूडेट की गई हमने आपको साझा किया है। फॉर्म को भरने से पहले ध्यान में रखिएगा 21 अगस्त तक जो है लास्ट डेट है, और 22 अगस्त परीक्षा का भुगतान करने का तिथि है यहाँ पे, तो 22 अगस्त तक पेमेंट करके फाइनली इन सभी परीक्षाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं, आप इसको देखें और आवेदन करें। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है हमने आपको बता दिया है, और या तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पोस्ट के लिए क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, और यहाँ से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे पूछेगा किसके लिए आपको आवेदन करना है, सपोज मान लीजिए आपको सहायक के लिए आवेदन करना है, तो यहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको अपडेट करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल अपडेट करना है, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। मैंने एक फॉर्म भर के भी आपको बताया है, सबके लिए सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अपडेट किया है। अगर कोई भी वैकेंसीज के लिए आप चाहते हैं कि फॉर्म भर के बताया जाए इन चारों में से, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो बना के अप टू डेट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो कि हमने आपको दी है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा।